वहीं रोहतक की जनता कॉलोनी चौकी से दूर कुछ दूरी पर एक युवक मृत हालत में मिला। मृतक की पहचान जनता कॉलोनी में रहने वाले गगनदीप के रूप में हुई। सूचना मिलने के बाद एफएसएल टीम और पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि सुबह कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि सड़क पर एक मृतक युवक मृत हालत में पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंचकर जनता कॉलोनी निवासी गंगदीप मृत हालत में पड़ा हुआ था। पुलिस ने परिजनों की सूचना दी और शव का पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।